बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 फर्स्ट लाइन, लाइव हो या कोई भी जल्दी जल्दी बताइए। सब पहले करना चाहिए ना जी। 5 मिनट में काय को आंसर बोले भाई, जल्दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 से 21 के बीच, 15 से 21 के बीच में। अच्छा 12 नहीं, हाँ वो 12 से 21, 12 की जगह 15 लिख दिया है। 12 से 21 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेवकूफ कहीं का सर, 8:30 हो गया है, गधा, टेस्ट लेना था 8 बजे, चल आएंगे तो 9 बजे तो 8:30 कौन जियो रहा, 9:30 बोल। 13 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ था 1615। अमर सिंह के पिता का नाम, अरे यार महाराणा प्रताप, हारे थे कि जीते थे, अरे वो तो युद्ध क्या, महाराणा प्रताप के पहले कौन थे, उदय सिंह। चलिए इधर और कोई दिक्कत है 21 तक में। 16, जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी। बैल कहीं का, शाहजहां होगा, तो शाहजहां नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लगाओगे, शाहजहां क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लड़कों की सबसे बड़ी टेंडेंसी वो इनमें से कोई नहीं मारना ही नहीं चाहते। अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 22 से लेकर 35 के बीच में कोई दिक्कत। उन्नीस पेज पलट दिए हैं गधा, रे गधा कहीं का, ये कौन पूछा है 19। चले, किस शासक के समय पुर्तगालियों ने सबसे पहले तंबाकू की खोज, जहांगीर, 27 का जहांगीर। 22 सुनिए ध्यान से, 22 और 23 बताते हैं, सुनिए ध्यान से। 22, जहांगीर ने किस कवि को आश्रय दिया और उसके संदर्भ किसे, सूरद गधो, ये कौन पूछ रहा है, 22 नहीं पढ़ाए थे, अकबर ने किसे दिया था, तुलसी। 23, किस शासक ने नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों को कान छेदा। 24, किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी और समुद्रगुप्त, जहांगीर, सब पढ़ाया हुआ है ये बैल कहीं का, नहीं पढ़ता है सब, जहांगीर ने लाहौर, शाहजहां ने लाहौर में विद्रोह किया था 27 में, और उसी स्वर में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हो गया, अब कितना नंबर है बाबू, इधर खत्म, इधर बताइए। 34 नहीं जाना है, नूरे महल, अरे नूरे महल भाई, मात्रा में थोड़ी सी गलती हो गई है उसको, नूरे महल, बेवकूफ कहेगा किस त्योहार में देखा था, नौरोज, ईरानी परंपरा का त्योहार था नौरोज। चलिए अब 36 से 48 के बीच में, 27 नंबर कह रहा है किस शासक के समय तंबाकू की खोज हुई थी, जहांगीर। चलिए इधर देखो, हल्ला नहीं किया कर बैल कहीं का, एक एक करके जब हम बोल रहे हैं कुछ ऐसे अनडिसिप्लिन करते हैं मंटेसरी वाला, तो अच्छा नहीं लगता है, फिर क्वेश्चन देके छोड़ देंगे, फंसेंगे तो परेशान रहेगा। ये वाला ऑप्शन 36 से लेके 48 के बीच में, कौन कौन क्वेश्चन चाहिए, बीच में खड़ा होके बोल जिसको पूछना है। 44, खड़ा हो, हाँ? 37, 37 हो गया, 1-4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, बस हो गया, सब पढ़ाई वो करेंगे। 37 38 37, अपने नूर जहां के पिता ग्यास बेग को साझा, अरे कौन कुत्ता ये क्वेश्चन पूछा है, ये कौन सा कुत्ता है, इसमें
वाली पहली इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा, पिएट्रा डोरा शैली का पहला प्रयोग। बाबू आप क्वेश्चन सही पूछो, जैसे आप पूछे कि जहांगीर के समय तंबाकू की खोज पुर्तगालियों ने, कुछ बोले हम आपको? ऐसा सवाल पूछता है चुल्लू में ना, इसे थूक के अडूब के मर जाओ, चुल्लू पर थूक नहीं मिला उसमें सोचा मूत के उसी में डूब के मर जाओ। पढ़ने आए हैं लोग यहां पर, पढ़ाने के बाद ये सब सवाल नहीं बन सकता है। किस काम का है रे तुम? ये क्वेश्चन नहीं बन पाए मर जाओ, तुमको जीने से कोई फायदा नहीं है, बोझ है तुम पृथ्वी पे। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेदाग संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा एक मत आगरा, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592। चलिए उसके बाद कितना नंबर है? 44 नंबर। मुमताज महल की मृत्यु 1631। 45 नंबर कह रहे नहीं बता दे, बेटी कितनी थी, नाम बताइए। जहान आरा, रोशन आरा, गोहन आरा, गोहन आरा। अब बेटा कितने लोग चारों बेटा का नाम बता सकते हैं? बताओ हैंडीकैप में, हाँ बीच में मास नीचे कर दे। दारा सिको, हाँ दूसरा को बताओ, कोई बता तेज आवाज में बोलो। दारा सिको, सासुजा, औरंगजेब, मुराद, वही मुराद बख्श या मुराद। अब इसमें नहीं बताए थे गधा सब। देखो आप अच्छे क्वेश्चन पूछिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम बताने के लिए बैठे, लेकिन जब पढ़ाने के बाद नहीं आता है ना गुस्सा लगता है। 47 और 48, ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाह, शाहजहां के समय विद्रोह किस, भाई दो आदमी विरोध किया था, एक ने किया था जाट ने, जाट का है क्या इसमें? नहीं है। और कौन है? शाहजहां हो गया, खाने जहां लोदी। अब इस साइड वाले में आते हैं, देखो हम एक एक साइड से हम तीनों क्वेश्चन बताएंगे इसमें, 39 से लेकर 49 से लेकर 61, इसमें कोई तीन सवाल पूछ सकते हैं। 49, चलिए उसके बाद दो और कोई सवाल पूछ सकते हैं। एकावन खत्म, ओवर, कंप्यूटर लॉक हो गया। 49 नंबर कह रहा है, शाहजहां ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके उससे कौन सी व्यापारी की, सोन द्वीप के पास, हुगली नदी के पास है, हुगली बंदरगाह, सोन द्वीप, हुगली, हुगली, सोन द्वीप पर अधिकार औरंगजेब के वक्त में हुआ था, औरंगजेब ने किया था, ये भी कहां? हुगली में ही। तो व्यापारी कोटी कहां कब्जा किया? हुगली, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आपका 51 नंबर, औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से किन क्षेत्र को जीता? सभी को जीत लिया, अहमदनगर, बरार, तेलंगाना, सब, तेलंगाना वही अहमदनगर के आसपास के एरिया ये। उसके बाद 53, शाहजहां अपने कर्मचारियों को वेतन मासिक कैसे देता था? मासिक हो गया। 53 में कौन सा हो गया? ए, मासिक वेतन देता था। बेवकूफ 57 पे जो है दीवाने आम में रखा रहता था, हो चू कहीं के खास में खास बैठक होती थी, रखा था आम में। आगे देखिए, इसलिए इस साइड का क्वेश्चन, 62 से लेकर 74 तक कोई चार तीन सवाल पूछ सकते हैं। लाइव वाले लोग आप भी अपना अपना पूछिए कोई भी। 55, 56, 57, 72,
72 नंबर पूछ रहा हूँ, 68। ऑप्शन ही नहीं है? अब कोई बात नहीं, अच्छा जिसमें ऑप्शन नहीं है आप लोग को आइडिया लग गया, ऐसा सवाल पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल? 65। एक सवाल और कोई पूछ सकता है? गर्ल्स में पूछ लिए कोई एक सवाल, लड़की से में कोई आइडिया नहीं? 70। खत्म हो गया। चलो ध्यान से देखो, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब का जन्म मुमताज के गर्भ से कब हुआ? 1618 होगा, 1618। ऑप्शन में नहीं है आप 1618 बना लो, ऑप्शन में कोई भी काट के 1618 कहीं लिख लो, गलती से नहीं लिखा है, हो गया। हालांकि उसे ऑप्शन में दिया गया था तो 1613 लिख दिया, आदमी अक्सर देखिएगा 18 गलती थोड़ा सा 13 लिख दिया, इसको ऐसे कर दीजिए, उसको ऑप्शन दिया गया था। और कौन सा सवाल है भाई? 68 हो गया। 65। किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिंह की हत्या? देवराय का युद्ध होगा, देवराय दो जगह लिख दिया है बाबुआ, देवराय वाला लास्ट में 59 में हुआ, ना समझ में आ रहा है, एक की ओर खाली देखता है, अगवा देखो 58। 70। औरंगजेब का विवाह ईरान की थी, आपको ना पता था बबनी, ईरान की थी। कौन सी हो गया जी तुमको? जा जल्दी जी भागो, हो गया इधर, ईरान की थी। अब लास्ट पेज पे आते हैं, दिलरास बानो बेगम, देखिए एक बात बताया आपको, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन गलत, एक क्वेश्चन था तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के वक्त, एक क्वेश्चन था जहांगीर ने कहा आक्रमण किया था हुगली ने, अब तक ये 3 ही क्वेश्चन था जो बताने लायक था, बाकी आप अगर ध्यान से देखिएगा हम हर चीज पढ़ाएं। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर क्लास के इतने छोटे एरिया में कंपटीशन में आपका रिजल्ट नहीं होता है या इतना ज्यादा डाउट होता है, मतलब आपका बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन आप जान नहीं रहे, अभी तो आप जस्ट पढ़े हैं, तब ये दुर्दशा है, आप ये दुर्दशा हो गया, वो बैला को भुला गया ग्यास बेग कौन, समझ गए? तो नया नया जो करेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें दिक्कत हो गया, एक पूछ रहा है 33, 34, 35, 40, आप पढ़े काय कर रहे हो, हो गया। आपको क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग को बनाने में 2 मिनट नहीं लगता अगर ओपन टेस्ट कराता तो, हम लोग को पहले जितना क्वेश्चन दुनिया भर का टाइप है कहीं यहां से उठो, आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप देखिएगा क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक आगे बढ़ रहा है, जिस तरह आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया है उस तरह से टोटल मटेरियल से आगे बढ़ रहा है, आपको ये ध्यान में रखा गया है कि अगर आप इसी को रिवाइज करिएगा तो आपको मटेरियल हूबहू याद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप खिलवाड़ करते हैं इस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहता है ना, तो फिर इंसान जानते हैं ना जिस लायक रहता है इंसान उसकी उतनी ही कद्र करता है, अगर आपका रिस्पॉन्स खराब आएगा एट रैंडम किसी स्टाफ को बिठाएंगे क्वेश्चन सेट कर दो, हाजिर होता हमको माथा नोचने बिना, स्टाफ सेट करेगा कब, वो बीच में औरंगजेब का डाल देगा, 4 को उसका डाल देगा, उसका डाल देगा, स्टाफ को बोलेंगे क्या दिक्कत है, 4 को क्वेश्चन बैंक रखेगा कहीं उस उठा के डाल दिया, आपका रिस्पॉन्स इतना भद्दा रहेगा अच्छा नहीं लगता, जहां आपके क्वेश्चन जेन्युइन है हम आपको अप्रिसिएट करते हैं, कभी आपको हम नहीं बोल सकते, इवन हम भाई किस लिए आपको बताने के लिए, लेकिन जहां आप मजाक के तौर पे सवाल पूछने लगते हैं बिना पढ़े चले आए हैं, यहां नहीं बना है तो आप सीधे सवाल पूछ देंगे, आप एक बार रियलाइज कीजिए आपसे नहीं बना आप वो सवाल नहीं पूछ सकते, आप देखिए कि क्या हम फाउंडेशन में बताते समय डायरेक्टली उस चीज को बताए थे कि नहीं, जैसे जहांगीर के हुगली वाला हम डायरेक्टली नहीं बताए थे, हाँ बंगाल जरूर बताए थे, वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता था कलकत्ता होगा बंगाल होगा कहां, हम कुछ नहीं बोले, पुर्तगाल जहांगीर के समय हम बता दिए थे कि अंग्रेज एंट्री मारने लगा था, अंग्रेज
तो वहां पुर्तगाली वाला जो था, एक्चुअली में देखिए पुर्तगालियों ने जो तंबाकू की खेती की, आपके मन में सवाल होगा कि सर ये नहीं पढ़ाए कि जहांगीर के समय पुर्तगालियों ने, हम ये पढ़ाएंगे कहां पर, जब पुर्तगाली पढ़ाएंगे तब, तो बात बराबर है। अब हम पुर्तगाली पढ़ाएंगे तब बताएं, चाहे जहांगीर पढ़ाएं तब बताएं, बात बराबर ही। आप ऐसे सवाल पूछिए आपको कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हम बोल दिए कि अगले दिन टेस्ट है, आप सो के उठे चल दिए टेस्ट देने, नहीं बना तो खड़ा होके पूछ दिए, गलत बात है। आपको 75 से सवाल पूछू, 75 से लेकर 75 से 85, पहले एक ही लाइन में रहिए, एक ही लाइन में रहिए, 75 और 81, 75 हो गया, और बोलिए दो गो और कोई सवाल पूछ सक, 90 अभी गए कहां रे बेवकूफ, यहां नहीं दिख रहा 85 पे रुके हैं। बिरासी, एक लास्ट बच गया, कोई पूछ लो, एकासी, चलिए हो गया, बस हम तीन पूछ सकते हैं। 75 नंबर, औरंगजेब ने कब तिलपत के युद्ध में गोपुला गया था, 1670, ऑप्शन ए 1670, ऑप्शन नंबर ए 1670, आपका क्या है बाबू? अच्छा आइए बैठिए यहां, अगला क्वेश्चन इसको बैठा लो, आपके डिस्कस करा लेते हैं पहले, मैं बैठ जाऊं, आपको दिक्कत नहीं है, ये कहीं बैठ जाओ, सब अपने हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाए। आगे देखते हैं, कितना नंबर ये हो गया, 1670, 82 नंबर, औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण करके किन दो राज्यों को जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर को जीतने के लिए भेजा पहले बहादुर खान, जय सिंह नहीं जीत पाए, बहादुर खान, और उसके बाद आ गया कौन, दिलेर खान आए थे वो भी नहीं जीत पाए, उसके बाद स्वयं कौन आया, और जब गोलकुंडा की बारी आई मुअज्जम को भेजा, मुअज्जम ससुरा क्या दे दिया, घूस दे, दोनों कोई नहीं जीता था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन में आपको खुद ही से रिवाइज हो जाएगा, बहादुर शाह, बहादुर खान, जय सिंह और दिलेर खान, इसके बाद 81 हो गया, 82 नंबर, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र किसी गुरु ने संरक्षण दिया, यार तेग बहादुर दिल्ली, क्या सवाल पूछता है यार, जहांगीर के विद्रोही पुत्र को किसने दिया था, अर्जुन देव, अर्जुन देव, रामदास ने किसे जमीन दिया था, हाय सॉरी, और अकबर ने जमीन दिया था रामदास, राम नहीं समझे, हो गया लास्ट पेज पे, लास्ट आपका है ये 86 से 96, 86 से 96, चलिए इस लाइन में पूछिए, लाइव वाले भी पूछिए बाबू, आप लोग का जो 88 हो गया, और कुछ पूछिए, 96, तुम कौन सी पूछ रहा था रे बाबू, चलो भाई दो गो और पूछ सकते हैं, इधर लास्ट, एट्टी फाइव इसमें कहां आता है, इससे ज्यादा नहीं, अब खत्म, चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से, 88 नंबर, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन तुलादान पद्धति में प्रतिबंध लगा, ऑप्शन ए 67 में झरोख, तुलादान 80, अगला देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि कब कब प्रतिबंध लगा दिया, इसके बाद आपका 90, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा,
वह खुद क्या बनाता था? वीण। तो आपको अंदर खुद से इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग को आइडिया लग जाए कि भाई टाइपराइटर भी आदमी होता है, एक मात्रा से दिक्कत नहीं। अब भाई बता ना, तबला ढोलक गिटार थोड़े बजाता हो, क्या बनाता है? वीणा। ऑप्शन डी, ये तो मात्रा की गलती थी, कोई दिक्कत नहीं। 91 नंबर कह रहा, सर्वाधिक हिंदू वंशधर औरंगजेब, बकलोलो अकबर बोल रहा है, औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू वंशधर, और ये आप मटेरियल पलट के देखिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, सर्वाधिक हिंदू वंशधर औरंगजेब। हो गया बउआ, लाइव वालों को गोदी में खिलाएंगे, लाइव वालों का ना क्वेश्चन है, कर लाइव वालों पे ध्यान नहीं दे रहे, गोदी में खिलाएं। अगला बोलिए, 95 और 96, ये कौन गधा पूछता है? औरंगजेब ने अपनी बीवी के दिलराज बानो बेगम के लिए घटिया ताजमहल, कौन सा महल? किस मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन? औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया? पतन। क्या हो गया? पतन। 96 पतन आपका, ये क्या हो गया? कंप्लीट। अब कल हम लोग पढ़ेंगे मराठा।